हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस ब्लाउज़ की कटिंग आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब हम करते हैं स्टिचिंग। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को स्टिच कर लेते हैं। इसी तरह हम ये भी स्टिच करते हैं। अब हम बचा हुआ फैब्रिक ऐड करते हैं। इसकी लेंथ हमने 20 ली है और इसकी विड्थ है 13 इंच। इस फैब्रिक की कुछ इस प्रकार से हमें प्लेट्स बनानी है, तो पहले हम इसे नॉर्मली बनाते हैं, वह आयरन करके इसे जमा लेते हैं। प्लेट्स डालकर हमने स्टिच कर लिया है। इसको हमें कुछ इस प्रकार से सेट करना है। वह इसका दूसरा पार्ट भी हम इस तरीके से सेट करते हैं। इनको सेट करके बाहर की तरफ हम स्टिच कर लेते हैं इनको। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेते हैं। यह हमें अस्तर वाले फैब्रिक के बराबर ही रखना है। यह पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसका साइड वाला पार्ट रेडी करते हैं। अस्तर और मेन फैब्रिक को स्टिच करते हैं। इसमें हम छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं। नीचे के साइड पे स्टिच कर कर हम इसको सीधा कर लेंगे। इसको भी हम आयरन से सेट कर लेंगे। अब हम इनको अच्छे से सेट कर लेते हैं। सेट कर कर अब इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट को रेडी करते हैं।
इसमें भी हम अस्तर और मैन फैब्रिक को स्टिच कर लेते हैं। छोटे छोटे कट लगाकर इसको सीधा कर लेंगे। ये हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। हमने इसको नीचे से भी स्टिच किया है। अब इसमें हुकाई पट्टी लगा लेते हैं। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को स्टिच करेंगे। इसमें हमने पाइपिंग लगाई है और लेस लगाई है। ये हमारा ब्लाउज रेडी हो चुका है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।